कि कल मैं चाह रहा था मजा लेना, लेकिन नहीं हुआ हो पाया। चालू करें ओम भाई, चालू करें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओम भाई से पूछ लें, ओम भाई ये क्या कि कहीं ऐसी जगह तो नहीं बैठे हैं ओम भाई? नहीं, चालू कीजिए चालू कीजिए। हाँ तो कान में लगा के रखे हैं ना? सबका लगा हुआ है। चलो मैं चालू करता हूँ। पास एक नौजवान कम उम्र का कमसिन लड़का 17 साल की एज आया और कहा, हकीम साहब मैं अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। और वो ये है, मैं रात को रेडी होकर सोने के लिए नॉर्मल लेट जाता हूं, फिर रात में किसी भी वक्त आंख खुल जाती है, इतनी हार्डनेस आ जाती है, इतनी ज्यादा सख्ती आ जाती है कि मैं अपने आप को, खुद को रोक नहीं पाता और मास्टरबेशन शुरू कर देता हूं, यानी हैंड प्रैक्टिस। रोने लगा। हकीम साहब मुझे इसका हल बता दीजिए, मैं क्या करूं? इंतहाई नेक और शरीफ 17 साल एज। हमने उससे कहा, जुल्फ़िकार फार्मेसी का फौलाद किला ले जाइए, आप इससे मसाज किया कीजिए, मजा भी आएगा, नसों को तकवियत मिलेगी, फायदा रोकना, एक मिनट एक होगा, मिनट। बेनिफिट होंगे, लॉस नहीं होगा। वो रह रोकना, गया। बाद में रोकता फिर हूँ, बाद में। कुछ दिन बाद खुशी खुशी आया और कहने लगा, हकीम साहब अल्लाह आपका भला करे, बहुत दुआएं निकलती हैं रात दिन आपके लिए कि आपने मुझे एक बुराई से रोका, बचाया और बेहतरीन तरकीब बताई। अब मजा भी ज्यादा आता है और फायदा तो इतना ज्यादा हो रहा है, लंबाई 9 इंच हो गई, मोटाई 2 इंच, टाइमिंग 1 घंटा, माल गाड़ा। और कहा, एक मर्तबा गलती से जींस पैंट पहन कर सो गया, फाड़ के बाहर आ गया। हकीम साहब ये फौलाद किला तो कमाल का है। मैंने कहा, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई है इसकी, द किंग ऑफ आयुर्वेदिक वर्ल्ड, आयुर्वेदिक की दुनिया के बेताज बादशाह हकीम जुल्फिकार। बेशुमार नौजवान कमसिन लड़के ये फौलाद तीला यूज करते हैं और उनकी नसों को फायदा होता है। एक लड़का आया मेरे पास, कहने लगा, हकीम साहब मुझे 2 दफा भगाया है ऊपर से। समझदार के लिए इशारा काफी। वहां से कहा, पहली दफा जब भगाया कि इतना छोटा लेकर आया है, फिर मैंने आकर आपसे दवाई की, ट्रीटमेंट किया 4 महीने का। दूसरी दफा गया, फिर भगा दिया कि इतना लंबा लेके आया है। ये है जुल्फिकार फार्मेसी की दवाई का असर, द किंग ऑफ आयुर्वेदिक वर्ल्ड, आयुर्वेदिक की दुनिया के बेताज बादशाह हकीम जुल्फिकार नाम है हमारा।
पूरे वर्ल्ड में सप्लाई है। हमारे पास अक्सर दवाइयां उनकी कमी रहती है। आज ये दवाई तैयार करनी है, कल ये खत्म हो गई, ये दवाई तैयार करनी है, अब इसका नंबर है, अब ये शॉर्ट में चल रही है, ये डिमांड है, ये हाल है। हजारों घरों के चूल्हे जल रहे हैं। हम अपने प्रॉफिट में से 70% प्रॉफिट ओनली जरूरतमंद लोगों में खर्च करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। ओके दैट्स ऑल। ओके दैट्स ऑल। ओम भाई मेरे पास, अरे रुक ना, एक नौजवान। ओम भाई आप क्या सोचे हैं, आप जवाब दीजिएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे मैं ये बोल रहा था, बोलिए। मैं ये बोल रहा था, ये हम लोगों के बारे में तो बहुत बात बोलते हैं, ये हाथ में क्या पकड़ के बैठा था अभी, ये सामने इसने रखा है देखो, है ना। वो दवाइयों की बात में बात करेंगे बाद में, जुल्फिकार फार्मेसी वगैरह ये वो फलाना ढिमका। अब मैं इसको एक इज्जतदार नाम दे सकता था, मोहम्मद लिंग, इसको मोहम्मद लिंग नाम दे, लेकिन ये मोहम्मद लिंग नहीं हो सकता, क्योंकि मोहम्मद लिंग से कोई भी उसकी जो भी वाइफ थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी, लेकिन आयशा एक लिंग से सेटिस्फाई हुई थी, उसका नाम था सफवान लिंग। ये सफवान का लिंग इसने काट के रखा हुआ है। ये आयशा को सेटिस्फाई करने वाला सफवान लिंग इसके पास आ रखा है, ठीक है। तो ये नियमत है, ये सफवान लिंग इसने जुल्फिकार फार्मेसी वाले ने पकड़ रखा है, ये सफवान लिंग से ही आयशा सेटिस्फाई हुई थी, ठीक है ना, जब उसके ऊपर तोहमत लगी। यदि अभी इब्लीस होता ना तो इसमें तो बहुत मजा लेता, क्योंकि इब्लीस का फेवरेट टॉपिक है ये सफवान लिंग। नहीं सफवान लिंग ये सफवान लिंग आयशा के लिए बहुत ज्यादा मतलब कीमती था, बहुत ज्यादा उसने उसको संतुष्टि दी, आत्म संतुष्टि दी, अंदर तक संतुष्टि दी। सफवान के साथ रह के ही उसको पता लगा कि असली जो वैवाहिक जीवन होता है या जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो क्या होती है। ये सफवान लिंग है, इसका नाम आज से सफवान लिंग। सफवान लिंग सही है। चलिए तो आज इसको मैं चित्रोल करना चाहता था, इसलिए मैं लिंक मांगा। अब ओम भाई और आप ए इमाम साहब, आप दोनों जन जब जहां रोकना वो बोलिएगा, जहां मुझे बोलना वहां हम बोलेंगे, आप लोगों को बात रखना तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसको आज चित्रोल किया जाएगा हमारे चैनल से, इसको तो खाली मजे के लिए सब देखते हैं, हम चित्रोल करेंगे इसकी पिछवाड़ी की। 80+ चैनल चालू कर दूं? हेलो 80+ चालू कर दूं? हाँ हाँ करो, मोमिन के लिए 9+ कर दो। अच्छा एक बात इसने बोली, आपने शायद उसको समझा या नहीं समझा, उसमें इसने बोला कि भाई कि दो बार ऊपर से भगाया गया, क्या था समझ रहे हो ना आप, कहाँ से भगाया गया, यानी कि कोठे से भगाने की बात बोल रहा है कि भाई कि हाँ तो बोला कि अब शुरू से करते हैं, अब मजा लेना है, इसकी चित्रोल करना है, वही तो बोला मैं आपको कि बाद में एक फिर से शुरू करेंगे और फिर चित्रोल करेंगे फिर बंद करेंगे। तो शुरू करते हैं, हमारे अल्लाह का नाम और सफवान का नाम, सफवान लिंग जिंदाबाद। अरे मेरी बात तो सुनो पहले, मेरी तो पूरी हो जाने दो। अब शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, सफवान का नाम लेके ऐसा के प्राइवेट पार्ट में डालने के लिए। तो हमारा शुरू होता है आज इस नबी के नाम पे, क्या नाम है इसका, जुल्फिकार अली, कौन सा जुल्फिकार फार्मेसी। तो चलो जुल्फिकार फार्मेसी, आज जो भी विलासफहमी होगी तुम्हारे कारण होगी,
क्योंकि इतनी अच्छा इसको शुरू करने से पहले एक कमेंट हाईलाइट करो वीआईपी जी का, जो मेरे को उन्होंने वो करके किया एड्रेस करके, करना जरा एक ये वाला। इसमें इन्होंने थोड़े स्पेलिंग की गलत लिख दी, ओम भाई आई लव एलिना अली, नो इन्होंने स्पेलिंग की थोड़ी जल्दबाजी में मिस्टेक कर दी, ओम भाई आई लस्ट ऑन एलिना अली, लस्ट ऑन एलिना अली। याद आ रहा है जब वीआईपी भाई नहीं है जवाब देने लायक आपको, जब वो है ही नहीं है। चलो कोई नहीं, याद आया है ही नहीं है, लेकिन इनका कमेंट मैं काफी देर से देखा हुआ था, मौका मिला नहीं, तो ये लस्ट ऑन एलिना अली है, इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। बताओ वीआईपी भाई चले गए वो, अब आपको कमेंट से जवाब भी नहीं दे सकते। अगले स्ट्रीम में आप अगली बार कहीं भी मिले तो जवाब जरूर दे दीजिएगा इस बात का। तो अब शुरू करते हैं अल्लाह के नाम पे नबी मोहम्मद के लिए, और सफवान का केला मुबारक दिखाते हैं आयशा जी को, और जिसमें इनको घोड़े के साथ आ रही थी शायद यही लंबा चुपता रहा होगा। तो चलो आते हैं। कम उम्र का कम सिन लड़का 17 साल की एज आया और कहा, हकीम साहब मैं अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करना चाहता हूँ, डिस्कस करना। थोड़ा इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, ये हकीम साहब डॉक्टर हैं, ठीक है, ये देखिए ये डॉक्टर की पढ़ाई इन्होंने की है। कैसी डॉक्टर की पढ़ाई, ये देखिए ये जो डॉक्टर अपने कान में लगाते हैं, तो शायद ये उस बच्चे के 18 साल के बच्चे के पास एक केला मुबारक में लगा के चेक करते रहे होंगे कि कैसा है, अच्छा है, इसमें कौन सा दर्द हो रहा है, कहाँ इसको दिक्कत आ रही है। तो शायद ये जो स्क्रीन में मेरा वो दिख रहा है ना, टच कर रहा हूँ जिसको, ओम भाई हेलो, दिख रहा सब दिख रहा। हाँ तो ये शायद केला मुबारक में लगाते रहे होंगे अच्छे से हकीम साहब, शायद मुंह में तो नहीं लगाते रहे, शायद मुंह से भी तो चेक नहीं किए थे, मुझे तो नहीं पता, शायद बाद में पता चलेगा। तो ये इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा तो ये यहाँ पे लिए रहे होंगे, यहाँ पे और इसको केला मुबारक के एकदम ये जो यहाँ होता है ना, यहाँ लगा के रखे रहे होंगे, तो इसको तो ऐसे ऐसे करते रहे होंगे मुंह पे अंदर बाहर, और इसको यहाँ पे लगा के रखे रहे होंगे कि हाँ कितना जल्दी वो झड़ता है कितना जल्दी नहीं। तो बात ये है, कुछ आपको कहना है? नहीं नहीं, ये तो हर जगह पे लगा के वो करते होंगे, इनके आला होते हैं ना, इनके आला वो आला आला दर्जे में, आला आला को आला दर्जे से डाल के कहीं पर भी वो कर सकते हैं, छाला कर सकते हैं, तो चाहे वो सामने पड़ा हुआ जो इनका वो आला है वो वाला आला या पीछे वाला आला, इन्होंने जगह जगह पे डाल के लोगों के किए होंगे छाला। ले लिए होंगे लाला, बीच वाला लाला और वहीं से निकला होगा उनका माला, वहीं से निकली होगी माला, और फिर उसके बाद बोला होगा झींगा लाला। अब पोस्टर इमाम भाई का बहुत बहुत मस्त ये चलाते हैं, वो खाली ऐसे चलाते हैं, मैं तो मजे इनकी आज चित्रोल करने के लिए आया हूँ। ए इमाम भाई क्या कुछ बोलोगे आप भी कि नहीं? आज पूरा सहरा आपके ऊपर जाएगा क्योंकि आप इस वीडियो को लिंक कर दिए। नहीं नहीं नहीं, आप चलाइए। ये वीडियो का लिंक आपने दिया है, तो जो चित्रोल इसका हो रहा है ना, होगा ना, ये पूरा आपके सिर में जाएगा। देखो भाई मैं बता देता हूँ, ये हमारे ए इमाम साहब है, इन्होंने चित्रोल करने के लिए इसका लिंक दिया है। अब देखो मजे। एक और लिंक दिया है, वो भी चेक करना। और
हैं, मैं रात को रेडी होकर सोने के लिए नॉर्मल लेट जाता हूं। ओम भाई पहले आप रखो इस बार, वो ये है कि नॉर्मल रात को लेटने के सोने के लिए लेट जाता, उसके आगे आप समझ जाए। वो सो जाता है बेचारा, वो है ना रेडी हो जाता है, सो जाता है बेचारा, लेट जाता है। अब उसके बाद उसके साथ प्रॉब्लम खड़ी होती है, अब वो प्रॉब्लम खड़ी होती है या उसका खड़ा होता है वो तो अब यही बताएंगे इमाम साहब आगे, जुल्फिकार फार्मेसी वाले। आप पूरी तरह से नहीं बता रहे, मैं बता देता हूँ। हमें ऐसे लगता है कि रात को वो जब बेचारा जाके सो जाता रहा होगा कपड़ा उपड़ा पहन के उतार के, तो सोचता रहा होगा कि चलो अब सो जाते हैं, तो हमारे जुल्फिकार फार्मेसी वाले ये मौलाना साहब पहुँच जाते रहे होंगे। तो क्या है कि वो बेचारा सो रहा है और ये पहुँच गए, अब इनको नहीं मिला मजे तो ये मुंह में लेके नीचे ऊपर करने लगे, तो जल्दी झड़ गया ना, तो बोले कि अरे यार ये कैसा गंद इतना जल्दी साफ हो गया, तो इन्होंने आगे बाद में बोलेंगे। फिर रात में किसी भी वक्त आग खुल जाती है, इतनी हार्डनेस आ जाती है, इतनी ज्यादा। हाँ ये बात आपने सही बोला मौलाना साहब, जब आप ज्यादा करते हैं ना तो फिर वो बेचारे की रहा नहीं जाता है, हाँ करने की जरूरत ही नहीं है, जब इतने जोर जोर से आप चुप्पे लगाओगे मौलाना साहब तो हार्डनेस तो आ ही जाएगी। नहीं सही बात है यार, अगर किसी का लटका हुआ केला भी होगा, सड़ा हुआ केला, और ये मौलाना साहब जाके, और वो भी इतने आला आला डॉक्टर हैं, ये आला किस्म के वो है हकीम है, तो ये वहां जाके चुप्पे करेंगे, चुप्पे चापी करेंगे, तो वो तो हार्डनेस तो आएगी उसमें। अब हार्डनेस से इनको क्या प्रॉब्लम है वो आगे सुनने वाला मसला है, हार्डनेस से क्या प्रॉब्लम है इनको, हो सकता है हार्डनेस इनसे बर्दाश्त नहीं होती होगी जितनी हार्डनेस आ जाती है। चलो चलाते हैं वीडियो, बोलो कुछ बोलना है क्या? नहीं कटिया प्ले जाती है कि मैं अपने आप को खुद को रोक नहीं पाता। बोलो कुछ और बोलो। हाँ तो वो अब इतनी हार्डनेस आप उसको दिलाओगे, चुप्पे चापी लगा के चुप्पे मारोगे, तो उसको वो रोक नहीं पाएगा, वो आपके कई कई बार वहां पिछवाड़े में डालेगा, कई बार मुंह में, कई बार नाक में, कहीं पर भी डाल देगा वो, ठीक है। वो कमसिन था ना, आपने खुद ही बताया कमसिन है, 17 साल का नौजवान है, वो कहीं पर भी डाल देगा, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही उसकी शक्ति हार्डनेस, तो उसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? बहुत सही। अरे हार्डनेस उसकी आ गई तो अब उसको जल्दी क्या करे बेचारा, उसको तो लगेगा कि पूरा जल्दी क्लीन हो जाए। अब आप माँ लगे हैं वो सड़ा हा केला, गंदा केला, कैसा भी केला पड़ा था सर, तो उसको पकड़ के उसको मुंह पे ले लिए वो सड़ा हुआ केला, अब वो बेचारा क्या करे, वो सड़ा केला को वो तो उसी का है ना। मूवी देखो। चलो आज इस 5 मिनट की मजा लेने और मास्टरबेशन शुरू कर देता हूँ, यानी हैंड प्रैक्टिस। रोने लगा। जब आप रोज पहुंच जाओगे मौलाना, जब आप रोज उसके पास पहुंच जाओगे उसका मुंह पे लेने के लिए, तो क्या करेगा,
वो लगता है प्रैक्टिस नहीं कर रहता था इसलिए कि कभी कभी आप नहीं जाते थे, तो अब रोता था कि आज मौलाना साहब नहीं आए। नहीं, इनके पास एक सोल्यूशन और था, अगर वो खुद मास्टरबेशन स्टार्ट कर देता था तो मास्टरबेशन उसको नहीं करने देते, आप कर लेते। और अगर आपकी उम्र का तकाजा हो गया है तो यासिर नदीम अल वाजिदी के पास भेज देते, वो कर लेते, वो थोड़े जवान है आपसे तो वो कर लेते, और उसको कहीं पर भी किसी के भी मुंह पे पिचकारी या आपके मुंह पे डलवा लेते, अपने मुंह पे डलवा लेते, और क्या होता। ऐसे केसेस को आप खुद हैंडल मत कीजिए, आपका उम्र का तकाजा है। आप ईमान यूनियन के बहुत सारे लोग हैं और उनमें यासिर नदीम अल वाजिदी हैं, उनके पास भेज दिए कीजिए ऐसे केसेस। रेफर भी तो करने का होता है ना डॉक्टर का, एक रेफर कर दीजिए ऐसे केसेस को, रेफर। चिकने से हैं भी। जिसकी जो चित्रोल होगी वो ये जानते हैं, वो मेरे लोगों को लेना देना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हकीम साहब मुझे इसका हल बता दीजिए, मैं क्या करूं। ओम भाई थोड़ा हल बता दो। ओम भाई हल बिल्कुल सही है, हल बताया मैंने इनको, फिर से दोबारा बताया। तो जब वो हल पूछे तो उसका जो नल है वो अपने मुंह में डाल लो, समझे, आपको बात समझ में आ रही है मौलाना साहब। अगर वो हल पूछे तो उसका जो नल है ना वो अपने मुंह में डाल लो। 17 साल का कमसिन लड़का आपने खुद बताया, नहीं है तो फिर रेफर कर दो यासिर नदीम अल वाजिदी के पास, आमिर हक के पास, एलाइना अली के पास, और जुल्फिकार उसके पास भट्ट के पास, और वो अली रजा खुर्रम के पास, छोटा गिरगिट के पास, बहुत सारे ईमान यूनियन में बहुत सारे लोग हैं। किसी के पास भी नल उसका हल पूछे तो नल उसका नल अपने मुंह में डाल लेना आप लोगों ने, ठीक है, यही हल है। नहीं, मैं अभी और अलग से हल बताता हूँ। देखो वाजदी साहब हल तो दे देंगे लेकिन नल का इलाज नहीं करेंगे। तो नल का जो पानी निकलता है ना, तो आपके मोहम्मद साहब को अच्छी तरह से पता था कि कैसा पानी निकलता था। वो उस नल से जैसा भी पानी निकला था शायद चखे थे मोहम्मद साहब ने। नमकीन हाँ, नमकीन पानी। और वो चखे तो चखे ही थे लेकिन एक और कुछ बोले थे कि वो हलाला में क्या कहते हैं उसको, जब तक ना चख ले क्या कहते हैं, सेहद ही कहते हैं। नहीं, सहद शीरनी, शीरनी। हाँ शीरनी। जुल्फिकार फार्मेसी वालों शायद लगता है वहीं से ये दवा लेके आए हो क्या, कि भाई चखने का और बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके का चीज आपने दिखा के रखे है और आपका चेहरा भी वैसे लगता है। तो शीरनी चखे हैं क्या, और नमकीन पानी भी चखे होंगे। औरतों में तो शीरनी होती है और आप में नमकीन पानी, तो शायद उस बच्चे का 18 साल के व्यक्ति का आप शायद चखते रहे होंगे, या तो आपके नबी साहब चखते चख के बताए होंगे, क्या कहते हैं। चालू करूं कि अभी कुछ बोलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तो बता दिया कि हल यही है कि नल डालने दो उस बच्चे को तुम्हारे मुंह में। 17 साल एज हमने उससे कहा, जुल्फिकार फार्मेसी का फौलाद किला ले जाइए आप, इससे मस। वैसे मुझे ये बताइए कि क्या जुल्फिकार फार्मेसी के फौलाद किला, तो जब आपके नबी साहब थे तो क्या उन्होंने इसको यूज नहीं किया, ऐसे दवाई नहीं बनाई थी, क्यों नहीं बनाई थी भाई? क्योंकि सफवान के पास
ऐसा चली गई थी, क्यों चली गई थी? आपके कारण गई थी ना, आपको तो इस ये जो जुल्फिकार फार्मेसी की दवाई दे आनी चाहिए थी पहले उस जमाने में, तो शायद सफवान के पास मजे लेने के लिए नहीं जाती, नहीं रुकती वहां पे। ये फार्मेसी थी ना उस टाइम पे जो ये हाथ में पकड़ रहा है अभी, सिर्फ सफवान का यही था इनके हाथ में, एक हाथ में तेल के शीशी, एक हाथ में घोड़ा था, समझे? तो यही था सफवान के पास, तो सफवान ने आयशा की कमी पूरी कर दी, तो वहां पर मोहम्मद का क्या काम था? मोहम्मद का तो वैसे ही झड़ता रहता था, जहां था वहां पर उसके कपड़ों में लगा रहता था, खुरेच खुरेच के निकाला जाता था आयशा के द्वारा, ठीक है? तो उस टाइम पे ये जुल्फिकार फार्मेसी एस्टेब्लिश नहीं हुई थी, अगर होती तो शायद वो यहाँ से कुछ लौंडियां यहाँ पर देके तो यहाँ से दवाई दुवी ले लेता, और उस टाइम पे ये फार्मेसी एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। इसकी डेट देखनी पड़ेगी, ये फार्मेसी एस्टेब्लिश कब हुई है, ये तो हाल फिलहाल की मॉडर्न डे फार्मेसी है। बिल्कुल, लेकिन मुझे तो एक बात ये समझ में आया कि भाई अल्लाह से बड़े समझदार तो ये लोग हैं। बिल्कुल है, क्योंकि अल्लाह ने ये दवाई अल्लाह ने नहीं दिया था नबी को, लेकिन इन्होंने बना के सबको बेच रहे हैं, तो अल्लाह तो मूर्ख चुतिया निकला। अल्लाह 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 के तो आगे ताला लग गया था, तो फिर वो कहां से उसके पास दवाई आती, कहां से ज्ञान आता आगे से? उसके तो ताला लग गया था अल्लाह के आगे, ताला आज तक ताला लगा हुआ, अल्लाह ताला लगा हुआ है। घंटे का पता था इन लोगों को, मेरे छनकने का पता था इन लोगों को। ये पार्ट मैं अलग से डालूंगा, अलग से, एकदम अलग से डालूंगा, देखना। हाँ चलो, चालू करे? बिल्कुल बिल्कुल करिए करिए। मसाज किया कीजिए, मजा भी आएगा, नसों को तकवियत मिलेगी, फायदा होगा, बेनिफिट होंगे, लॉस नहीं होगा। हाँ बोले कुछ, और मजा भी आएगा, नसों को ताकत भी मिलेगी, वो जो ताकत वो ही बता रहे हैं ना, इनको अपना मोहम्मद का पता है कि हमारे मोहम्मद के अंदर क्या क्या जो नसों की कमजोरियां थी, क्या क्या गुप्त रोग थे, वो सब कुछ पता। देखो पकड़ रखा उसने पूरा सफवान का, जैसे बोलते हैं ना कि नबी के कपड़े मिले, नबी की दाढ़ी मिली, नबी का बाल मुबारक मिला, नबी की कब्र मुबारक मिली, तो ये सफवान का है, इनको ये लोड़ा मुबारक भी मिला यहाँ पर, जो आयशा के अंदर उसने प्रवेश करवाया था, दुखुल कहते हैं उसको, दुखुल करवाया था, तो ये दुखुल करवाने वाला सफवान का ये भी मिला है। आयशा को बहुत पसंद था, तो आयशा ने बोला कि जब तू जाएगा तो इसको काट के प्रिजर्व करके रख देना, तो ये देखो ये अब जुल्फिकार फार्मेसी वालों के हाथ में आ गया। तो शायद अली सफवान का ये मुंह में लेता भी होगा, इसीलिए तो पास में रखा, इतना काला काला हो गया, देखो इसीलिए इतना काला काला हो गया। अरे मुंह में कहां कहां लेता होगा और कहां कहां किसके देता होगा, जो इसके पेशेंट आते होंगे उनके कहां कहां देता होगा, आयशा के, फातिमा के, पता नहीं किस किस के कहां कहां देता होगा ये। अब ये नबी साहब को तो नहीं देता रहा होगा ना सफवान भी वो ले गया सब। फिर कुछ दिन बाद खुशी खुशी आया और कहने लगा, हकीम साहब अल्लाह आपका भला करे, बहुत दुआ। बहुत बढ़िया, अब कुछ और? सफवान तो आयशा को देता था, आप पूछ रहे थे ना, तो मैं म्यूट हो गया था उस टाइम पे। मोहम्मद को ये देने की जरूरत नहीं थी, मोहम्मद को देने वाले तो बहुत सारे थे, मोहम्मद को कहाँ कहाँ दिया था, किस किस ने दिया था,
कैसे कैसे पोजीशन में दिया था। मोहम्मद की मारने वाले तो बहुत सारे थे, ये सिर्फ जो ये स्पेशल इसने हाथ में पकड़ रखा सफवान का, ये सिर्फ आयशा के लिए स्पेशल था, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव फॉर आयशा। अब मैं भी बोल देता हूँ कि इसको इसका तो पूरा वीडियो मैं अलग से काट के डालूंगा। तो सुनो, तो सफवान का जो ये हथियार था तो शायद आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि प्रिजर्व करके रख लिए इन लोगों ने। तो ये जो आयशा जी ने एक अंगूठी के बहाने लेटिंग गई थी तो अंगूठी गिर गई थी, उसको खोजने लगी थी, तो इसीलिए ये दे दिया था। सफवान वहाँ पीछे रुका था तो रात भर दिया था, शायद उसको मजा आया था। तो वही बात आप लोगों ने उस लड़के पे लागू कर दिया, बोल दिया कि अरे क्या 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 कहते हैं इनको मौलानाओं को, इनको ये क्या बोल रहा था अभी मौलाना मुफ्ती, क्या बोलोगे? नहीं, हकीम साहब। तो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आप एक बात शैतान भाई एक बात सोच के देखना, एक 53 साल का 54 साल का एक बूढ़ा एक 9 साल की बच्ची के साथ कर रहा जब उसको कुछ पता भी नहीं है, वो एक बचपने में है, उसको वो जबरदस्ती वो चोद रहा है, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ जा रहा है। उसके बाद जब वो उसकी एक एज आती है, जब वो थोड़ी दुनियादारी को समझने लगती है, 16, 17, 18 साल की होती है, ठीक है, उस टाइम पे उसको एक सफवान जैसा नौजवान मिलता है, तो उस टाइम पे उसकी हसरतें नहीं जागेंगी, उसकी हसरतें जागेंगी, उससे पहले भी जाग रही होंगी। नहीं, मेरी बात सुनो, तो क्या अगर जब उसको अगर उससे अपनी जिस्मानी भूख मिटाने का मौका मिलेगा तो क्या वो जिस्मानी भूख नहीं मिटाएगी उसके साथ? बिल्कुल मिटाएगी भूख उसके साथ, और उसने मिटाई भूख उसके साथ, और उसमें हाजत का बहाना लगा दिया कि मैं हाजत करने चली गई थी, पीछे रुक गई थी, ये था वो था फलाना ढिमका, और फिर वो उसके ऊपर आरोप भी लगे, ठीक है, इल्जाम लगे, फिर उसके बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए मोहम्मद ने आयत नाजिल कर दी, ठीक है, 3 महीने की इद्दत वो भी उसने वहां पर किया। अरे भैया, एक बच्ची के साथ आप बचपन से वो कर रहे हो, जब उसको समझ में आएगी तो वो तो एक नौजवान के साथ करना चाहेगी कि नहीं करना चाहेगी? एक बूढ़े का ढीला ढाला है, वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ऐसे ही कर रहा है, समझ रहे हो ना आप? तो जहां उसको मौका जहां मिला उसे मौका, उसने दे दिया मोहम्मद को धोखा। तो मैं भी एक अलग कॉन्टेस्ट दे देता हूँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। और एक बात, जब ऐसे ही होगा भाई, तो एक मर्द के पास गेरा बीबिया और बहुत सी लौंडियाँ हैं, तो उसके पास इतना एक आयशा के पास के लिए इतना कहाँ टाइम मिलेगा? उसको जो अच्छी लगेगी उसी के पास पहुँच जाता था, तो भाई वो तो जाएगी ना सफवान के पास मजे लेने, जब उसका टाइम आ गया, तो जब बड़ी हो गई थोड़ा सा मिच्योर होने लगी, तो अब उसको माल छोटे से मिल रहा था, तो अब बड़े में तो वो तो अब मजे तो लेगी ना। तो यही है, जब एक इंसान गेरा बीबिया और अनगिनत लौंडिया है उसके पास, कोई गिनती का कोई वही नहीं था, तो भाई यही होता है। मैं ये कॉन्टेस्ट अलग से दे दिया हूँ, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे और एक्सप्लेन करेंगे। दुआएं निकलती हैं रात दिन आपके लिए कि आपने मुझे एक बुराई से रोका, बचाया और बेहतरीन तरकीब बताई। अब मजा भी ज्यादा आता है और फायदा तो इतना ज्यादा हो रहा है, लंबाई 9 इंच हो गई, मोटाई 2 इंच, टाइमिंग 1 घंटा, मालगाड़ा। और कहा एक मर्तबा गलती से जींस पैंट पहन कर सो गया,
फाड़ के बाहर आ गया। रोको। हाँ तो रोक दिया मैं। ये सोचने वाली बात है कि जींस पैंट को फाड़ के बाहर आने के लिए वहां पर चाहिए चाकू तलवार, छुरी चाहिए वहां छुरी, ठीक है, छुरी चाहिए मर्डर करने वाली, तब जाके वो फाड़ के बाहर आएगा करके। तो भैया यही, और मालगाड़ा की जो बात इसने की है, मालगाड़ा का इनका मेन कॉन्सेप्ट रहता है, तो मालगाड़ा तुमने अपना मोहम्मद का मालगाड़ा क्यों नहीं किया यार? मोहम्मद का मालगाड़ा करने के लिए खजूर काफी नहीं थे? उसका मालगाड़ा कर देते, उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा था। उसका तो माल छाछ होती है ना, उससे भी पतला था वो। हाँ वो बात तो एकदम राइट है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये वीडियो भी बहुत 5 मिनट का है, एकदम पूरी तरह से नहीं कर पाए लगता है, बहुत टाइम हो गया। हकीम साहब ये फौलाद किला तो कमाल का है, मैंने कहा पूरे वर्ल्ड में सप्लाई है इसकी, द किंग ऑफ आयुर्वेदिक वर्ल्ड। हाँ क्या कुछ बोलेंगे अभी? इन बहन चोदों का ना आयुर्वेदिक के बिना काम चल नहीं सकता, इंडिया आयुर्वेद सनातन के बिना काम चल नहीं सकता, आयुर्वेद का नाम जरूर लेंगे साथ में। तो ये द किंग ऑफ आयुर्वेदिक है ना, तो ये पहले अल्लाह और नबी को पता ही नहीं था कि सफवान का तो मस्त था, तो ऐसा ने ले लिया, लेकिन नबी का क्यों नहीं मजबूत किया? और खतीजा के अलावा, खतीजा के बच्चे थे ना कि नहीं थे? हाँ थे ना, पहले पहले पहली शादी से थे उसके, बाकियों के नहीं थे ना? इसका मोहम्मद का तो कुछ था ही नहीं। बराबर। तो भाई जब मोहम्मद की तो मेरे हिसाब से एक फातिमा ही थी, एक मेरे हिसाब से मोहम्मद की, वो भी इसकी बच्ची है, क्या कोई गारंटी है? वो भी कोई पता नहीं है। और जो मारिया किफ्तिया से हुआ था उसके बारे में भी आयशा ने बोल दिया था इसकी शक्ल देर से नहीं मिलती है। तो यही तो है, चलो आगे भाई इसको जल्दी पूरा कर लेते हैं, नहीं तो फिर हटाना पड़ेगा आप इस वीडियो। आयुर्वेदिक की दुनिया के बेताज बादशाह हकीम ज़ुल्फ़िकार, बेशुमार नौजवान कमसी की नसों को फायदा होता है। एक लड़का आया मेरे पास, कहने लगा हकीम साहब मुझे 2 दफा भगाया है ऊपर से, समझदार के लिए इशारा। हाँ समझदार के लिए इशारा काफी है, तो हम भी अगर समझदारी की बात बोले, खुल के बोलना कोठे से भगाया है 2 बार। ऐसा अम्मा ऐसा जी ने बीके एसआर 10 तक दस तक ही चलना, मतलब चलाना नहीं, 10 तक नहीं चलाऊंगा भाई, सुबह तक ही चलाना, बंद करना है इसको, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ तो इसको मैं अपनी बात ही भूल गया यार। हाँ वही 2 बार ऊपर से भगाया गया है, वही बोल रहा है ये। हाँ तो 2 बार ऊपर से भगाया, तो क्यों भगाया वो तो तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि सफवान का, लेकिन वो तो लिखा नहीं है, लेकिन सफवान ने मजे लिया था तो 2 बार भगाया कि 1 बार भगाया, आपके पास तो लिखा है नहीं, आप तो उल्टा सीधा बोल देते हो। लेकिन जरा यदि मोहम्मद साहब की कहीं भी हिस्ट्री में देख लीजिए तो ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको कि सफवान को वो मोहम्मद साहब को भगाया,
कहीं भी हिस्ट्री में नहीं मिला। क्यों भाई? कोई औरत आपकी खतीजा नहीं भगाई, ऐसा नहीं भगाई, कोई भी नहीं भगाया, फातिमा नहीं भगाई। क्यों नहीं भगाई भाई? क्योंकि उसमें दाम ही नहीं था, बाबा जी का ठुल्लू ठुल्लू ही रह गया। तो भाई ये तो गलत बात है, ये ऐसे झूठा मत फैलाया करो कि मोहम्मद साहब के तेरे दम बम में दम ही नहीं था जो पकड़ के रखे हो। पोस्टर इमाम के चैनल पर रहेंगे? हाँ हाँ ठीक है, मैं रहूंगा बिल्कुल, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसको कल के कारण ही कर रहा हूँ आज। तो कुछ कहेंगे अपना ओम भाई? हाँ बस शैतान भाई, मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, बहुत अच्छी स्ट्रीम आपने की है और बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया, और करते रहिए स्ट्रीम, और मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं करूंगा स्ट्रीम। बस दो मिनट है, दो मिनट सुनो, दो मिनट पूरा कर लेते हैं। हाँ कोई कोई बात नहीं, चलाइए, मैं आपके साथ हूँ, जब तक आप चलाओगे मैं आपके साथ हूँ। काफी वहां से कहा पहली दफा जब बकाया कि इतना छोटा लेकर आया है, फिर मैंने आकर आपसे दवाई की, ट्रीटमेंट किया 4 महीने का। दूसरी दफा गया फिर भगा दिया कि इतना लंबा लेके आया है। ये है जुल्फिकार फार्मेसी की दवाई का असर, द किंग ऑफ। कुछ बोलेंगे अभी? हेलो, तो चलो मैं बोल देता हूँ इसको। तो देखो भाई, आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा लिखा हुआ, ना ही कुरान में तो मिलेगा ही नहीं, ना ही कुरान में मिलेगा, ना हदीस में मिलेगा कि मोहम्मद साहब को एक बार भी नहीं भगाया, क्योंकि मोहम्मद साहब का बम में दम नहीं था। वो गेरा गेरा बीबियों के पास जाते थे और अनगिनत लौंडियों के पास जाते थे, तो उनकी बम में दम ही नहीं था, वो भगाने की तो बहुत दूर की बात है। ये जो आप इसके नाम पे पैसा कमा रहे हो ना, बहुत लग रहे हो, ये वजह आपको ये आप सिर कर रहे हो, सिर के कौन सा जी बजरीम क्या कहते हैं उसको, तो ये नहीं करना चाहिए। आप पक्का जहन्नुमी हो, जहन्नुम में जाओगे, जहन्नुम में सड़ोगे। हमारे पास आवाज मेरे को ही कट रही है या सबको कट रही है? आई थिंक ड्रॉप हो गया। शैतान भाई आवाज आ रही है? अभी मैं आ गया हूँ। आवाज कट रही थी वीडियो की।